हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। देखिए, आज जो है मैं आपको जो है वो थोड़ा सा रिलीफ देने के मूड में हूँ। ठीक है, आज आपका जो है ना वो नहीं होगा, कलर वगैरह नहीं करेंगे हम। है आज कुछ और सोच रहे हैं। देखिए, मैंने जो है वो एक क्रिएटिव स्केचिंग पे आज काम बताऊंगा मैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने पहले जो है ना उसको किया है। देखिए, ठीक है, ये मेरी इस पेन से है, और दूसरी जो स्केचिंग की है मैंने, ये भी बहुत अच्छी स्केचिंग है। आप लोग अगर करेंगे तो बिल्कुल क्रिएटिव होगी। आप थोड़ा ध्यान से करिए। ये जो है मैंने इस मार्कर से की है, ये परमानेंट मार्कर है, पतला वाला। इसके अंदर मैंने ये किया है, और एक स्केचिंग मैंने बुद्ध की बनाई है, वो ऐसे बनाई है। तो ये सारी स्केचिंग जो है वो क्रिएटिव स्केचिंग कहलाती है। आप लोग भी अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेहतर ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से जो है वो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं इधर बताऊंगा एक दो स्केचिंग, वो देखते हैं कितना उसमें वो लगता है और कैसे कैसे आप लोग करते हैं। नॉर्मल ये पेन लेते हैं अभी। ये मार्कर तो है लेकिन परमानेंट मार्कर नहीं है। इसको आप पानी से भी और उससे भी कर सकते हैं। तो स्केचिंग ये करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फॉर्मेट, किसी बैलेंस, किसी उसका ध्यान रखेंगे। आप इसको बस कंटिन्यू करेंगे और कैसे भी उसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप किसी, जो मैंने आपको बैलेंस बताया है, उस बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। मगर बैलेंस आना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको शुरू से बताता चला हूँ। अब जो है ना वो थोड़ी क्रिएटिविटी करने के लिए आप लोग जो है वो फ्री हैं। देखिए, इससे मतलब नहीं होता कि इसमें आप कैसी स्केचिंग कर रहे हैं और क्या स्केचिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये है, कैसी भी स्केचिंग करें और आप करते चले जाएं तो वो जो है एक बहुत खूबसूरत इफेक्ट जो है आपकी स्केचिंग में दिखाई देना शुरू होगा। ठीक है, ये आप स्केचिंग देखिए और इसको आप एक बार करने की कोशिश करिए। आपको इसके अंदर जो मज़ा आएगा वो मैं जानता हूँ कि क्या वो है इस स्केचिंग का। एक दो मैंने स्केचिंग बताई भी हैं आप लोगों को, लेकिन वो मैं कलर कर देता हूँ तो वो स्केचिंग नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कलर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ स्केचिंग बता रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने आपको इसमें से बैलेंस को पूरी तरीके से हटा दिया है। बैलेंस का जो है इसके अंदर कोई रोल नहीं है। आप इसको अनबैलेंस कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, दो दो फेस हमने इसके अंदर बनाए। ठीक है, एक हम यहाँ पर भी कर देंगे। कैसे भी करेंगे, मतलब ये नहीं है कि आपको करने के लिए कोई वो चाहिए है, और इसी के अंदर से ही ब्यूटी जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ पर एक फैमिली का जो है वो स्केच कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसको हम माथे पे एक बिंदी लगा देते हैं। ये फैमिली, ये हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड। ठीक, तो ये चीज़ जो है ना वो आपको एक बार कोशिश करनी है, और करने के बाद में आपको लगेगा कि वो सारा जो आपको सिखाया गया है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उस फॉर्मेट को तैयार किया गया है। इसमें हम वाटर भी फिल कर सकते हैं बहुत आराम से और बहुत खूबसूरती से। वो बाद में करेंगे, पहले आपको जो है
सिर्फ स्केचिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, अभी हम थोड़ा सा और करेंगे। तो देखिए ये क्रिएटिव स्केचिंग है, इसको जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो पेन को उठाइए फिर दबाइए फिर वो करिए, वो नहीं। आप इसको एक बार पेन को रखिए और कंटिन्यू इसके ऊपर आप जो है यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए आप जो है कभी कभी उठा सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा मत उठाइए, वही क्रिएटिविटी बनेगी। यहाँ पर लीव्स बना सकते हैं, पत्ते बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उसी फॉर्मेट में हो, बस ये ध्यान रखिए फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है। बन गई आपकी स्केचिंग ठीक, तो फिर एक और करते हैं से जो है वो पतले पेन से करेंगे और उसको जो है हम आते हैं वहीं घूम फिर के बुद्ध पे, दिमाग वहीं पर रहता है हमारा। देखिए इससे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल वो है, क्या नाम है इसका, मार्कर है ये पतला वाला, इससे भी कर सकते हैं। करके ना मैं आ जाता हूँ वहीं जहां से चला था, इसको हाथ यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना आप हाथ ये बनाइए, बहुत ईजी कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए ऐसा नहीं है जिसको आपको करने में जरा सा भी कुछ टेंशन हो,
लेकर के अब इनका मैसेज जो है वो बाहर निकलता हुआ इनके अंदर से, तो उसको आप पिजन बना सकते हैं। इसमें जो है वो एलिमेंट बोलते हैं उसे, वो एलिमेंट हमने जो है ना वो पिजन के डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ और भी बना सकते हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपको करना है, लेकिन बैलेंस ये ध्यान रखिए। आज तक मैंने आपको बैलेंस और वो सब सिखाया, लेकिन ये ध्यान रखिए दौड़ने के लिए चलना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो एकदम दौड़ नहीं लगा सकते आप, आपको चलना आना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप जो है वो आगे बढ़ते हैं और फिर उससे आप जो है आप चलना सीखते हैं, पहले दौड़ना सीखते हैं, पहले चलना सीख के फिर उसके बाद दौड़ना। ये जो है ये स्केचिंग की दौड़ है जो थोड़ा सा आपको उससे अलग हटाती है भीड़ से, ऐसे समझिए कि दौड़ के आपने भीड़ से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को ये जो है वो मैसेज मेरा पसंद आया होगा, थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों की समझ में आएगा ये, लेकिन एकदम झटके से मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, बन गया। अब इसमें कैसे कलर क्या करना है वो सब बाद की चीजें हैं, वो हम बाद में करवाएंगे, लेकिन अभी जो है ना वो जो क्रिएटिव स्केचिंग का प्लान था हमारा वो हमने इसमें पूरा किया है। ठीक है फ्रेंड, कैसा लगा आपको? चलो एक और बताता हूँ इस पतले ब्रश से जो है ना वो, एक और बताता हूँ थोड़ा सा। अब एक तरीका आपको स्केचिंग का और बताना है मुझे, यहाँ पर आप जो है ना एक छोटा सा या थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ब्लॉक बनाइए, अपने उस पे ही बनाइए इस टाइप से, इससे थोड़ा लोड कम हो जाएगा और आप जो है वो अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। इस टाइप से एक छोटा सा ब्लॉक बनाइए, ठीक है। ये ब्लॉक बनाने के बाद आप जो है इसके अंदर काम करिए स्टार्टिंग में, ठीक है। ये आपको जो है वो बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको इतने बड़े पे बनाने के बजाय आप जब छोटे के ऊपर स्केच करेंगे तो आपको जो है एक अलग ही इसके अंदर उसका फॉर्मेट मिलेगा। पहले आप यही वाला कोशिश करिए और उसके बाद बड़े पे स्केच करिए, पहले जो है वो यही स्केच कर सक करिए, ठीक है।
इसमें एक फेस और बना सकते हैं। इधर की साइड में अगर आपको करना है तो एक दो लाइनिंग यहाँ स्टिच कर सकते हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि बिना पेंसिल उठाए भी आप लोग जो है एक पूरी पूरी पेंटिंग बना सकते हैं। एक यहाँ पर मुझे लगता है कि एक फेस और बना ओके फ्रेंड। तो ये चीज़ आप करिए, सबसे पहले एक ब्लॉक बना के और एक स्केच बुक पे, और फिर उसके बाद इसमें काम करिए। और उसके बाद जो है आपको जो है वो बड़े पेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये कम से कम 4 से इस टाइप के बनाइए, और बनाने के बाद उसके अंदर स्केच करिए। अब इसमें और मतलब इसमें क्रिएटिविटी क्या है ये देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल और बता देता हूँ। इसमें क्रिएटिविटी है कि जब आपका मूड जैसा है, आपने पेंसिल पेन कैसे भी चल गया, अगर आप अब कोशिश भी करेंगे इसको कॉपी करने की या अपने बनाए हुए को भी कॉपी करने की, तो उसको भी आप नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मतलब पसंद आएगा ये, और आप लोग कोशिश करिए एक बार, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों ने क्रिएटिव स्केचिंग कर दी। अगर मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज भी करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।